हाँ जी बेटा, देखिए अब हम आज टॉपिक कर रहे हैं नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, टाइम सीक्वेंस। होता क्या है, मान लो मैं लिखता हूं एक्स, एक्स इज प्रिसीडेड बाय पी एंड फॉलोड बाय एफ। पी से प्रिसीड पीछे वाला, एफ से फॉलोड फॉरवर्ड आगे वाला। देखते हैं जरा, देखिए मैं लिखता हूं 3 8 5, तो हम 8 के बारे में क्या कह सकते हैं बेटा, 8 इज प्रिसीडेड बाय 3 एंड फॉलोड बाय, 8 इज प्रिसीडेड बाय 3 एंड फॉलोड बाय 5। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, P से प्रिसीड पीछे वाला, F से फॉलोड फॉरवर्ड आगे वाला। देखते हैं जरा कैसे। अब क्वेश्चन देखिए, कहता है हाउ मेनी सेवन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज। कितने सेवन है, विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय थ्री। मतलब फॉलोड मतलब एफ फॉलोड फॉरवर्ड आगे वाला, यानी आगे थ्री नहीं होना चाहिए, बट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एट, यानी 87 तो हो लेकिन 873 नहीं होना चाहिए। आप यहां देखिए, ये 87 है, 873 नहीं है। अगला देखते हैं, ये 87 है, 873 नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 873 है। गॉट इट? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टू। बात क्लियर बेटा, आया समझ? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी सिक्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज। कितने छे हैं बेटा ये बताना है। विच आर प्रिसीडेड बाय सेवन, पी से प्रिसीड पीछे वाला सेवन, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय नाइन, आगे नौ ना हो। तो 76 तो हो लेकिन 769 ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा, ये देखिए यहां पर हमारे पास 76 क्लियर है, 769 नहीं है, ये 76 769 नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये 76 769 नहीं है, तो थ्री हो गए हमारे पास। गॉट इट? क्लियर है बेटा, एनी डाउट टू एनीबडी? नहीं। फिर अगला कहता है, अगले क्वेश्चन में देखिए, काउंट ईच सेवन विच इज नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय फाइव। नॉट प्रिसीडेड बाय फाइव, पीछे पांच नहीं होना चाहिए, बट इमीडिएटली फॉलोड बाय इधर टू और थ्री, यानी आगे टू भी चल सकता है, थ्री भी चल सकता है, यानी 72 भी हो सकता है, 73, लेकिन इस जगह पर फाइव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो पहले 72 वाले सारे अंडरलाइन करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे 72 73 वाले। ये हो गए, ये हो गया, बस। अब देखिए ये फाइव लगा हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी फाइव लगा है, ये नहीं लगा, ये भी लगा है और ये नहीं लगा, ओनली टू, तो दिस इज आर आंसर। बट इट, अब तो समझ आ गया होगा अच्छे से, क्लियर है? चलो तो इसके जो मुश्किल क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े से मैं आपको और बता देता हूँ थोड़े से, ताकि आपको दिक्कत ना आए। हाँ जी, क्योंकि बाकी तो असाइनमेंट आप करोगे। चलिए ये वाला कर लेते हैं, हटके क्वेश्चन ये देख लेते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। लेकिन इसके लिए जो बेस्ड है ना, ये बेस इस पर है, नाइन्थ क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। कहता है हाउ मेनी सेवन, सॉरी, विच फिगर हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी। नाइन्थ क्वेश्चन, विच फिगर हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम यूज्ड, इक्वल फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम यूज्ड इक्वली। पहला ऑप्शन है 253, हम लिख लेते हैं 251, मिस कहां कर दिया बेटा, कोई बात नहीं अभी कर लेंगे, 253। ठीक है बेटा, अब देखते हैं जरा कि 253, अब यहां देखिए टू कितने टाइम आया है इस सीरीज के अंदर, इस सीरीज के अंदर टू कितने टाइम आया, आप देखिए जरा, ये वन टाइम, ये टू टाइम, ये थ्री टाइम। टू कितने टाइम आया है, थ्री टाइम। गॉट इट? टू कितने टाइम आया बेटा, थ्री टाइम। अच्छा फाइव कितने टाइम आया है, वन टाइम, टू टाइम। तो इक्वल फ्रीक्वेंसी तो नहीं हुई बेटा, इक्वल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम यूज्ड इक्वली, टू और फाइव इक्वल तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो फिर ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। अगला टू और फाइव फिर आ गए तो ये भी नहीं हो सकते बेटा, जब टू और फाइव इक्वल ही नहीं है तो टू और फाइव इक्वल कहां हो गए यार, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। 375, अब थ्री काउंट करते हैं हम कितने हैं, थ्री देखते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, थ्री देखिए, वन टाइम, ओनली वंस।
अब 3 1 है, ये कितने टाइम है, 5 2 टाइम है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी खत्म। अब 8 6 5, देखिए ये 8 1 टाइम और 8 2 टाइम, 8 2 टाइम है, 5 भी 2 टाइम है, 6 देख लेते हैं, 6 1 टाइम 2 टाइम, तो तीनों 2 2 टाइम आ गए, 8 सॉरी 8 6 और 5 तीनों 2 2 टाइम आ गए। दिस इज आवर आंसर 8 6 5। गॉट माय पॉइंट, क्लियर है बेटा, किसी को डाउट कोई? चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को वो करा रहा हूं। कहता है इन द सीरीज, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। कहता है इन द सीरीज सो एंड सो, हाउ मेनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट लेटर्स, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ मेनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट लेटर्स हैविंग द डिफरेंस ऑफ टू। ऑल्टरनेट क्या होता है, एक छोड़ के एक, तो 6 और 1, इसमें तो 5 का गैप है लेकिन 4 और 2 में 2 का है ना, 2 का, तो ये 4 और 2 पेयर ऑफ ऑल्टरनेट लेटर्स है जिसमें 2 का गैप है, ठीक है। अगला देखते हैं, 2 और 8 में नहीं है, 2 7 में नहीं है, 8 4 में नहीं है, 7 2 में नहीं है, 4 1 में नहीं है, 2 3 में नहीं है, लेकिन 1 और 3 में तो है, 1 और 3 में तो है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट लेटर्स हैविंग द डिफरेंस ऑफ 2, ठीक है। आगे हम करते जाएंगे, चेक कर लें, हमें कहीं भी नहीं, सॉरी यहां से इधर होगा ये इधर, कहीं भी और नहीं मिलेगा, तो 2 पेयर ऐसे हैं, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट लेटर्स जिनमें 2 का गैप। बात क्लियर होगी बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं? आगे चलते आगे, इसका एक 14 क्वेश्चन है बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना। कहता है इन द फॉलोइंग सीरीज, 14 क्वेश्चन, हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5, या 3 से या 5 से डिवाइड हो, फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन बाय इवन नंबर। हाउ मेनी ऑड नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड बेटा, दोबारा से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं बेटा। कहता है हाउ मेनी ऑड नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय, क्वेश्चन विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5 फॉलोड बाय ऑड नंबर देन बाय इवन नंबर। अब मैं ना वो अंडर वर्ड वो अंडरलाइन कर रहा हूं जो 3 या 5 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर, वो ऑड नंबर जो 3 या 5 से डिवाइड होते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस 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 दिस, इनके अलावा कोई रह गया जो 3 या 5 से डिवाइड होता हो, बताओ बेटा। 12 इवन होता है, 19 ओड होता है, लेकिन 3 या 5 से डिवाइड नहीं होता, 18 इवन होता है, ये इवन इवन ओड है लेकिन 3 या 5 से डिवाइड नहीं होता, इवन हो गया, इवन 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 इवन, गॉट इट। अब ओड ओड इवन का पेयर देखना है, लो जी ओड ओड इवन का एक पेयर बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑड ऑड इवन का एक पेयर बन गया बेटा, बात क्लियर, ठीक है। तो 2 पेयर ऐसे बनते हैं जो ऑड नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5 फॉलोड बाय ऑड नंबर देन बाय इवन नंबर। कोई दिक्कत बेटा, किसी को कोई परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, चीनी पत्ती, चाय पत्ती, नाशपति, कुछ भी नहीं? चलो आगे चलते हैं बेटा। अब यहां से एक नई चीज आपके सामने शुरू हो रही है, ध्यान दीजिए बेटा। मान लो मेरी पोजीशन ऊपर से 10th है, तो मेरे आगे कितने बच्चे बैठे हैं, मेरी पोजीशन 10th है तो मेरे आगे 9 बच्चे बैठे हैं, ये बात तो क्लियर है सबको भाई, मेरी पोजीशन 10th है ऊपर से तो मेरे आगे कितने, 9 स्टूडेंट्स बैठे हैं। और मैं यही बात कहूं कि मेरे आगे 9 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मेरी पोजीशन क्या है, 10th, बात तो वही है, घुमा के ऐसे क्या, तो कान इधर से पकड़ लो या इधर से, भाई मेरी पोजीशन ऊपर से 10th है तो मेरे आगे 9 बच्चे बैठे हैं, और मेरे आगे 9 बच्चे बैठे हैं तो मेरी पोजीशन क्या है, 10th है, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन पे दिमाग लगा, ब्रिजेश इज 10 फ्रॉम वन एंड ऑफ ए लाइन, देखो
1, 2, 3, 4, 5, up to 10th. और यही बंदा एंड नाइन फ्रॉम अदर एंड, दूसरे एंड से नाइन्थ है इसकी पोजीशन, यानी ये पोजीशन इसकी क्या है, नाइन्थ है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, तो क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? देखो बेटा, ब्रिजेश की पोजीशन इधर से टेंथ है और इधर से नाइन्थ है, इधर से नाइन्थ है तो यानी 8 बच्चे आगे और बैठे हैं भाई, इस तरफ से नाइन्थ है तो 8 बच्चे आगे और बैठे हैं, 10 तो ये है ही सही, 8 ही हो गए, कितने हो गए टोटल बेटा, 18. कई जगह पता क्या होता है बच्चों को ना, ये समझा जाता है बेटा दोनों को ऐड करो, 1 माइनस कर दो, बेटा तुक्का नहीं लगाना, हमने रट्टा नहीं लगाना, चीजों को समझ के चलना है, क्योंकि जरा सी स्टेटमेंट चेंज होती है सारा गड़बड़ हो जाता है, समझ के करो, अच्छे से करो, क्लियर बेटा? अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन देखिए, सीता नंबर इज 11 फ्रॉम डाउनवर्ड, नीचे से बेटा उसकी 11th पोजीशन है, इन ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स, टोटल 31 है, नीचे से 11th है, इसका मतलब 20 बच्चे आगे और बैठे हैं, बैठे हैं ना 20 बच्चे, 20 स्टूडेंट्स आगे और बैठे हैं, अगर इसके आगे 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो इसकी पोजीशन ऊपर से क्या होगी, 20 ये बैठे हैं तो ये पोजीशन क्या होगी, 21st. बात क्लियर बेटा? एनी डाउट टू एनीबडी बेटा? दीक्षा, आदित्य खुराना, प्रियांशु, भव्य, खनिजो, सबको, वंश, बेटा कैमरा ऑन करके रखो, क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, कुछ और नया सीखते हैं। अब एक चीज बेटा ध्यान रखना, एबीसी आपने पढ़ी हुई है, एबीसी अप टू एक्स वाई जेड, लेफ्ट चलने का मतलब होता है बेटा ए टू जेड की तरफ चलना, और राइट चलने का मतलब होता है जेड टू ए की तरफ चलना। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, 17th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, देखते हैं। इन ए रो ऑफ गर्ल्स राधा इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये राधा है 10th फ्रॉम द लेफ्ट, एंड रूपा इज 11th फ्रॉम द राइट, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब हो सकता था ये 11th पोजीशन रूपा की वो यहां पे होती, यहां पे होती, यहां पे होती, हमें तो पता नहीं है ना, लेकिन हम अभी मान लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्यों यहां पे हमने लिखा। ठीक है, फिर कहता है व्हेन दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब राधा आ गई यहां पर, इंटरचेंज होगी ना, और रूपा आ गई यहां पर, ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं, हम नीचे वाली राधा और रूपा हट गया ना हमारे सामने से, इसको भी हटा देते, ठीक है। व्हेन दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन क्या होता है, रूपा बिकम्स 15 फ्रॉम राइट, राइट इधर से इधर, यानी रूपा की पोजीशन ये क्या हो गई, 15, ये पोजीशन अब हो गई है 15th, ये पोजीशन क्या हो गई है 15th, इधर से हो गया राइट से 15th, ठीक है बेटा। अब जब ये राइट से 15 हो गई है हमारे पास, तो अब सोचो ये अब 11th बच्चे, इसका मतलब 11 बच्चे थे, इसका मतलब हमने सही बिठाया इधर, अगर इधर बिठाते तो फिर तो बात बननी नहीं थी हमारे पास। अब देखो बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, 11 ये है, एक 12th होगा, एक 13th होगा और एक 14th होगा ना, तीन बच्चे बीच में बैठे, तभी तो ये 15th बनी पोजीशन। देखो बेटा 11 यहां से थे, 12, 13, 14, यानी तीन बच्चे बीच में बैठे हैं तभी ये पोजीशन 15th बनी। बात क्लियर हुई बेटा? भाई रूपा की पोजीशन राइट से 15th हो गई है, ये 11 बच्चे बैठे हैं, तो इसका मतलब 12, 13 और 14 बच्चे बीच में है, तभी तो ये 15th बनी पोजीशन। नाउ गॉट इट? ठीक है, तो अब देखिए कहता है क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट विल बी राधा नंबर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से राधा की पोजीशन क्या होगी, 10 तो ये है ही सही, तीन बच्चे बीच में बैठे हैं, 13, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, 14, ये पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, 14। बात क्लियर, बात समझ आई? अब इसी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, देखते हैं। चलो ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स रमेश इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, रमेश. एंड सुमन इज 6 फ्रॉम द राइट, तो इधर से कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सुमन. इंटरचेंज की पोजीशन, सुमन यहां आ गई और रमेश यहां आ गया, यही हुआ ना, क्लियर? तो यहां तक तो हमने कर लिया, ठीक है जी. अब आगे क्या कहता है, इंटरचेंज देयर पोजीशन, रमेश विल बी 15th फ्रॉम द लेफ्ट, रमेश लेफ्ट से 15 हो गया. अब यहां ध्यान देना बेटा, ये पोजीशन हो गई 15th, 9 पहले है, ठीक है, 9 पहले है, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे बीच में होंगे, 5 बच्चे बीच में होंगे, 9 और 5, 9 और 5, 14, तभी तो ये 15th पोजीशन बनेगी. बीच में कितने बच्चे हैं बेटा, 5. तो कई बार ना क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, तो 9 ये हो गए, 9, 5, 14 और 6, 20 हो गए बच्चे. लेकिन अब पूछा क्या हुआ है हमसे, व्हाट विल बी नंबर ऑफ सुमन फ्रॉम राइट, राइट से सुमन की पोजीशन देखिए, 6 ये हो गए, 5 ये हो गए, 11 और ये 12, 12 पोजीशन. Got it? समझ आया कुछ? ठीक है, अभी ना जब अभी ये क्लास ओवर होगी तो उसके बाद ना ये वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा आपको थोड़ी जो है समझ आना, इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, अच्छे से दोबारा रिवाइज